खबर अमेठी से है, जहां पर दो महीने की सैलरी ना मिलने से मीटर रीडर पहुंचे हैं एसी ऑफिस, और अधीक्षण अभियंता के बिगड़े बोल देखने को मिले, जहां पर भारी भीड़ पहुंची और मीटर रीडर को धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सभी मीटर रीडर को हटाकर नए लड़के लगाएंगे। तो ये नए लड़के लगाने की धमकी भी यहाँ पर दी गई है। समस्त मीटर रीडर विद्युत विभाग से नहीं है और अपनी समस्या लखनऊ में जाकर सुनाओ, ये कहा गया। पुलिस बुलाकर मुकदमा लिखवाने की भी धमकी यहाँ पर दी गई है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नाराज मीटर रीडर्स ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं सैलरी न आने से दीपावली पर मीटर रीडर्स के घर पर अंधेरा रहेगा और कोरवी डेटा मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड का कार्य न्यू कंपनी TDS उससे भी कम पेमेंट में काम करवाने का फैसला लिया गया है और मीटर रीडर ने सैलरी न आने तक अब कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित यादव, अमेठी। अभी बुला के पुलिस चार डंडा मरवाएंगे, सब भाग के चले जाओ, एक नजर नहीं आओगे, सब भी नेता घर पर जाएगी और दोबारा कहीं कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं को बोलना तो तमाशा समझ लो और सीधा बताइए। क्या नाम है आपकी? सर नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार यादव है। सर किस तरह के मांगों को लेके अभी आप सर हमारी जो पिछली कंपनी अभी हम लोग से काम करा रही थी वो जो है हमारी दो महीने की तनख्वाह और PF लेके जा रही है, जाना चाहती है, अभी हमारी मांगें वो पूरी नहीं कर रही है और जो नई कंपनी आई है वो पिछली कंपनी से कम दर पर भी हमसे काम कराना चाहती है, जिसके लिए सर हम लोग जो है एकदम से जान लीजिए सहमत नहीं है। जब तक हमारी मांगें जो हैं वो कंपनी द्वारा पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, एक भी मीटर रीडर पूरे जनपद में कोई भी काम नहीं करेगा जब हमारी मांगें पूरी की जाएंगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि तनख्वाह आगे बढ़नी चाहिए उसके बजाय हम लोगों की तनख्वाह पीछे ले जाई जा रही है, पिछली कंपनी से हमें तनख्वाह कम दी जा रही है और टारगेट जो हमें ज़्यादा दिया जा रहा है, जब हम लोग अपने काम के हिसाब से मेहनताना नहीं पाएंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। जो है अभी SDO साहब ने आपकी पिछली कंपनी से बात करके आपको आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन? सर आश्वासन है कि 10 तारीख के बाद जो पिछली कंपनी द्वारा हम लोग का पेमेंट रोका गया है वो दिला दिया जाएगा, उससे हम लोग सहमत हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो नई कंपनी है वो हमें कम दर पे जो काम कराना चाहती है उसी को मैं बार बार कहूंगा कि जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं होंगी कि हमें फिक्स तनख्वाह 10,000 दी जाए और पर मीटर रीडर 1,350 बिलिंग करने के लिए दिया जाए, चाहे वो IDF हो, CDF हो, RDF हो, ME हो, अनमीटर्ड हो, कुछ भी हो, 1,350 बिल एक मीटर रीडर को बनाने हैं, 10,000 सैलरी फिक्स करनी है, उसके अलावा हर मीटर रीडर को पेट्रोल खर्चा और मोबाइल का रिचार्ज दिया जाए और हमारा जो EPF है, PF है, ESI कार्ड है वो हमें चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, आई कार्ड चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।